हाय फ्रेंड, कैसे हो आप? आज के इस सेक्शन में मैं आपका स्वागत वेलकम करती हूँ। तो फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेक्शन। तो हर सेक्शन में स्टार्ट करने से पहले, जैसे बता रही हूँ कि ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में जो जो क्वेश्चन आएंगे मैं वैसे बताती रहती हूँ, तो वैसे ही आप हर सेक्शन में ध्यान देते रहना। ओके, तो चलिए अभी देखते, पहले देखते कल हमने क्या सीखा। कल हमने इंसर्ट मेनू देखा था। तो इंसर्ट मेनू में हमने कल देखा था कि मतलब कोई भी चीज़ कैसे इंसर्ट करते हैं, जैसे पेज ब्रेक कैसे करने का, इमेजेस कैसे लेने का, चार्ट कैसे लेने का, फिर टेक्स्ट बॉक्स कैसे इंसर्ट करते, कमेंट कैसे करते, हाइपरलिंक कैसे करते, बुकमार्क कैसे करते, और फिर उसके बाद पेज नंबर कैसे इंसर्ट करते, फुटनोट और एंड नोट देखा था। तो वैसे अभी हम लोग अभी फॉर्मेट मेनू स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट किया, जो भी हमारा पैराग्राफ है उसको। फिर फॉर्मेट मेनू में सबसे पहला ऑप्शन है टेक्स्ट। तो टेक्स्ट से रिलेटेड जो भी फॉर्मेटिंग आपको करनी रहेगी, तो फॉर्मेट मेनू में जो टेक्स्ट ऑप्शन है वो यूज़ कीजिए आप। जैसे आपको बोल्ड करना है तो बोल्ड करने के लिए बोल्ड कर सकते हैं आप। यहाँ से बोल्ड में आपको डार्क में दिखाया जाएगा। तो जैसे अभी बोल्ड का यहाँ पे शॉर्टकट की दिया है Ctrl+B, ये आप याद रखना, ये आपके ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में आपको ऐसा पूछ सकते हैं कि बोल्ड करने की शॉर्टकट की क्या है। तो बोल्ड करने की शॉर्टकट की है Ctrl+B, आप याद रखना। फिर नेक्स्ट है इटैलिक। इटैलिक का भी शॉर्टकट की दिया है, इटैलिक का शॉर्टकट की है Ctrl+I। इटैलिक के फॉन्ट स्टाइल है आपको कैसे, ऐसे क्रॉस में दिखाया जाएगा, फिर वैसे अगर आपको नॉर्मल करना है तो उसके ऊपर रिपीट क्लिक कीजिए तो निकल जाएगा। फिर उसके बाद आपको सिंगल अंडरलाइन देनी है, डबल अंडरलाइन देनी है, स्ट्राइक्स टू इफेक्ट देना है, ओवरलाइन देनी है, तो यहाँ से आप दे सकते हैं। सुपर स्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट, ये याद रखना, इसका भी शॉर्टकट की भी आपको पूछा जाता है। सबसे पहला है सुपर स्क्रिप्ट, इसका है शॉर्टकट की Ctrl+Shift+P, Ctrl+Shift+P, ये याद रखना। सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+P, और सबस्क्रिप्ट का है Ctrl+Shift+B। तो यहाँ पे देखिए सुपर मतलब यहाँ पे सुपर पी आया है, इसके लिए Ctrl+Shift+P, और यहाँ पे सब मतलब यहाँ पे बी आया है, इसके लिए Ctrl+Shift+B ये आया है। तो देखिए ये इनका यूज़ हम लोग अभी देख लेते हैं। जैसे हम लोग जैसे फॉर्मूला यूज़ करते हैं H2O वगैरह, तो H2O में टू कहाँ पे रहता है, इसको पहले साइज हम लोग बढ़ा लेते हैं यहाँ से। तो अभी टू कहाँ पे रहता है, थोड़ा नीचे रहता है। तो टू को सिलेक्ट करके फॉर्मेट में जाके यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट करेंगे तो देखिए ऊपर आ गया यहाँ पे टू, और फिर उसके बाद सबस्क्रिप्ट करेंगे तो देखिए नीचे आ गया। तो हम लोग H2O वगैरह लिखते हैं उसके लिए ये यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद है आपको जैसे शाडो देना है टेक्स्ट को, आउटलाइन देनी है तो आउटलाइन, साइज़ इंक्रीज करनी, जैसे अभी यहाँ पे आपने सिलेक्ट किया फॉर्मेट में गए यहाँ पे इंक्रीज साइज़, तो देखिए साइज़ बढ़ गई। वैसे अगर डिक्रीज करेंगे तो आप यहाँ से साइज़ कम हो जाएगी। फिर उसके बाद है अपर केस करना है, अपर केस मतलब कैपिटल में आ जाएगा पूरा टेक्स्ट हमारा, जैसे पूरा टेक्स्ट मतलब जितना आपने सिलेक्ट किया है। फिर उसके बाद लोअर केस में स्मॉल लिपि में आ जाएगा। फिर उसके बाद साइकिल केस मतलब नॉर्मल, फिर सेंटेंस केस देना है, फिर कैपिटल ऐसे ईच वर्ड मतलब स्टार्टिंग का वर्ड कैपिटल, फिर बाकी का स्मॉल रहेगा। फिर टॉगल केस में फर्स्ट वर्ड स्मॉल, बाकी सब कैपिटल ऐसे रहेगा। फिर उसके बाद है स्मॉल एंड कैपिटल। स्मॉल एंड कैपिटल मतलब पूरा वर्ड तो हमारा कैपिटल रहेगा लेकिन उसका फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल रहेगा लेकिन साइज़ बड़ी रहेगी। फिर उसके आगे के वर्ड भी कैपिटल रहेंगे लेकिन उसकी साइज़ थोड़ी कम रहेगी, इसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे स्पेसिंग, आपको कैसे स्पेसिंग चाहिए, तो स्पेसिंग स्पेसिंग मतलब आपको फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन में का जो डिस्टेंस है उसकी स्पेसिंग आपको कैसी चाहिए, इसके लिए यूज़ किया जाता है। फिर अलाइन आपको कैसा चाहिए, लेफ्ट में, सेंटर में, राइट में, जैसे कि अभी यहाँ पे एक टेक्स्ट है हमारा, इसको मैंने सिलेक्ट किया फॉर्मेट अलाइनमेंट सेंटर, तो देखिए यहाँ पे सेंटर में आ गया। तो वैसे अगर आपको आपको राइट में लेना, लेफ्ट में लेना, तो यहाँ से ले सकते हैं। अभी इन सब का शॉर्टकट की आप याद रखना, ये आपको पूछा जाता है ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में जहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चंस रहते हैं तो ज़्यादातर शॉर्टकट की पूछा जाता है। तो अलाइनमेंट में सबके लेफ्ट का शॉर्टकट की है Ctrl+L,
सेंटर का शॉर्टकट किया है कंट्रोल प्लस ई, राइट का शॉर्टकट किया है कंट्रोल प्लस आर, और जस्टिफाई का शॉर्टकट किया है कंट्रोल प्लस जे। ये याद रखना आप शॉर्टकट ही, ये आपको पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद लिस्ट, आपको लिस्ट मतलब बुलेट लिस्ट देनी है, आपको बुलेट देना है, नंबर में देना है। तो वैसे जैसे कि हम लोग पॉइंट में कैसे लिखते हैं वैसे, तो यहाँ पे लिस्ट में जैसे बुलेट लिस्ट है कि यहाँ पे बुलेट्स आ गए, सिंबल आ गए, वैसे अगर आपको नंबरिंग फॉर्मेट में देना तो यहाँ पे नंबरिंग फॉर्मेट में दे सकते हैं। फिर क्लोइन फॉर्मेटिंग मतलब क्या रहता है, जैसे इसको इस टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट किया, कलर टेक्स्ट कलर दिया, बोल्ड किया, यहाँ से मैंने थोड़ी साइज़ भी बढ़ाया, तो मैंने तीन स्टेप फॉलो किया, वही स्टेप मेरे को यहाँ पे देना, तो मेरे को फिर से तीन स्टेप देने पड़ेंगे। तो इससे अच्छा कि इसको सिलेक्ट करूँ, फॉर्मेट में जाओ, क्लोन फॉर्मेटिंग, और जिसको देना है उसको सिलेक्ट कीजिए, तो देखिए सेम फॉर्मेटिंग उसको आ गया। इसके लिए यूज़ किया जाता है, मतलब सेम फॉर्मेटिंग अगर हमें किसी और को देनी है तो। फिर उसके बाद यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग, क्लियर फॉर्मेटिंग मतलब जैसे कि अभी मैंने बोल्ड इटैलिक किया, अभी मेरे को पहले था वैसे टेक्स्ट करना है, तो क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग करेंगे तो देखिए पहले था वैसे हो गया। फिर कैरेक्टर आपको कैसे चाहिए वैसे, फिर उसके बाद कैरेक्टर में जैसे फॉन्ट कैसे चाहिए, स्टाइल कैसे चाहिए, साइज़ कैसे चाहिए, तो यहाँ से आप चेंजेस कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको पैराग्राफ लेना है, बुलेट लिस्ट लेनी है, बुलेट एंड नंबरिंग लिस्ट तो यहाँ से ले सकते हैं। पेज स्टाइल लेना है, टाइटल पेज लेना है, फिर कमेंट आपको लेनी है, कॉलम लेना है, फिर वाटरमार्क, वाटरमार्क मतलब जैसे कि अगर आपका अगर आपने कभी जेरोक्स वगैरह निकाली रहेगी तो वहाँ पे लिखा रहता है डू नॉट कॉपी, या फिर अगर आपने रिजल्ट देखा रहेगा तो रिजल्ट में देखो पीछे लोगो वगैरह रहता है, या फिर कुछ नोट्स नाम वगैरह लिखा रहता है, तो वैसे अगर आप यहाँ पे कुछ भी नाम लिखते हैं, फॉन्ट आपको कैसा चाहिए तो वैसे फॉन्ट, साइज वगैरह कैसे चाहिए, कलर कैसा चाहिए, और ओके कीजिए, तो देखिए यहाँ पे वो आ जाएगा, ये देखिए आ गया। तो वैसे हम लोग वाटरमार्क का यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, आपको यहाँ से बैकस्पेस कीजिए और ओके, तो निकल जाएगा। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, आपको इमेजेस लेने तो उसको क्रॉप करना है, टेक्स्ट बॉक्स लिया तो उसकी पोजीशन चेंज करनी है, जैसे समझिए यहाँ से मैं एक शेप ले लेती हूँ, फिर और एक ले लेती हूँ, इंसर्ट में जाके शेप, ओके, और इसका मैं कलर चेंज कर देती हूँ यहाँ से, ओके, और यहाँ से मैंने कलर चेंज कर दिया। फिर यहाँ पे हमारे ऑप्शंस है, फिर आपको जैसे पेज कैसा चाहिए, शेप को कैसे मूव करना है, फिर रैप टेक्स को मैं पैसेज को मूव कर सकते हैं आपको दो, फिर यहाँ से पैसेज मूव कर सकते हैं, फिर अरेंज मतलब को बैकवर्ड फॉरवर्ड एंड बैक दिखे, या अभी पीछे था जो सर्कल था हमारा पीछे गया और बाकी दूसरा शेप आगे आ गया, तो ऐसा आगे पीछे करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद है आपको रोटेट करना है तो ऐसे रोटेट कर सकते हैं, फिर उसके बाद ग्रुप बनाना है तो ऐसे ग्रुप बना सकते हैं। तो अभी हमारा फॉर्मेट मेनू पूरा कंप्लीट हो गया, अभी हम लोग कल मिलते हैं, कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक सीखने वाले हैं, ठीक है, ओके, थैंक यू।